हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंडिया गेट लेकर घुमाने जा रहा हूँ। तो दिल्ली स्टेशन से इंडिया गेट की लगभग 3.5 किलोमीटर की रास्ता है, जो कि 5 मिनट लगते हैं पहुँचने। वहाँ पे आप टैक्सी ले सकते हैं, जो कि 160 से 180 का किराया है, और आप बस से जा सकते हैं। बस भी बहुत कम किराया है, दोनों अवेलेबल है, किसी से भी जा सकते हैं। और इंडिया गेट जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या क्या है आप देखने को मिलेगी, आपको बताऊँगा। तो देखिए, ये जो आपका अंडरग्राउंड G20 जो अंडरग्राउंड है, ये आपका 1.5 किलोमीटर रास्ते अंडरग्राउंड है। 1.5 किलोमीटर रास्ते पे ये बनी हुई है, देखिए कैसे लगती है। अंडरग्राउंड टनल है ये, और वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही जानकारी मिलेगी, इंजॉय मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम लगभग पहुंच गए हैं। देखिए, दिल्ली की भीड़ तो बहुत होती है, और टैक्सी ऑटो की बात तो मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़। हम लोग तो टैक्सी करके आए थे, देखिए यहाँ पे टैक्सी बहुत ही पीछे, पुलिस वालों का पार्किंग है वहाँ पे रखते हैं। सामने पे भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए सामने का बिल्कुल भीड़ रखते हैं, जाम हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे इंडिया गेट है, चल के जाना पड़ेगा। तो हम सभी चल के जाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी बच्चों के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें सभी अवेलेबल है यहाँ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मेरा एक एडवाइस है कि यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, जब भी आए तो अपना वॉलेट और मोबाइल अपने सामने जेब पे रखें, और जो भी कीमती सामान है उसे अपने बैग पर रखें, और होटल रहे तो वहाँ पर रखें, अगर गाड़ी आए तो गाड़ी के अंदर लॉक करके रखें, क्योंकि बहुत सी सामान यहाँ पे चोरी होती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे ध्यान रखें और सतर्क रहें, और इंडिया गेट देख के इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, 10 फरवरी 1921 में से हमें, जो कि ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की निर्माण की थी, इसका आर्किटेक्ट एंडावेन लुटियन ने तैयार किया था, जो कि 12 फरवरी 1921 में सी में ये बनकर बिल्कुल तैयार हुआ था। और ये सामरिक पैलेस आर्क ऑफ टेम्परियन से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया था, जो कि मूल रूप से अखिल भारतीय सैनिक के स्मृति में बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए। इंडिया गेट के अंदर एक मेहराब के नीचे अमर जवान की ज्योति है, जो कि अमर जवान के स्मृति में हमेशा जलती रहती है। तो ये थी कुछ इंडिया गेट की कुछ जानने वाली बातें, और देखिए फ्रेंड्स वीडियो और एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग,
और जिसे संसद भवन बोलते हैं, संसद भवन देखिए नए पे बहुत ही लुक बहुत फैंटास्टिक की है। नई संसद भवन और राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, क्योंकि ये रात हो गया बंद हो जाता है इसलिए आपको नहीं दिखा पाए, छोटी सी वीडियो है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फॉरेनर से लेके हर स्टेट इंटरनेशनल देश के बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है ये, देखिए और एंजॉय कीजिए। और उसके बाजू में गोल वाली है, पुरानी वाली है, अच्छा अच्छा पुरानी वाली संसद भवन नहीं सकते। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और कोई भी बात हो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।